इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। आइए उसके अगले चरण में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन फोर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको समझ में नहीं आता क्वेश्चन कि किस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट का प्रयोग करें तो ये समस्या सॉल्व हो जाती है। इस क्वेश्चन में ऊपर साइन एक्स, नीचे साइन चार एक्स है, तो हमारा जो कंसेप्ट जो है इंटीग्रेशन में वो ये होता है कि हम बटे को, गुणा को, पावर को, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसकी अपूर्ण संख्या बटे लिखी हुई है, तो इसको हम दूर करना चाहेंगे। इसके लिए हम इस संख्या के फैक्टर करेंगे। नीचे जो साइन फोर एक्स है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास टू साइन टू एक्स और कोस टू एक्स। इसके बाद ये जो साइन टू एक्स, इसको दोबारा फिर फार्मूले लगा के इसके फिर टुकड़े करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा टू टू साइन एक्स कोस एक्स, और ये कोस टू एक्स है। इसके स्थान पर भी हम फार्मूला लगाएंगे, इसके स्थान पर हम एक माइनस में टू साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा रहे हैं, फैक्टर करना चाह रहे हैं, तो ये इसे कैंसिल हो गया है। अब हम उसके बाद में क्या करेंगे, ये साइन एक्स को मानेंगे, लेट साइन एक्स बराबर जेड माने। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आएगा कोस एक्स डी एक्स, जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड है। ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये वन बाई फोर तो बाहर आ जाएगा, और डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी जेड अपॉन में कोस एक्स, एक कोस एक्स पहले है, तो ये हमारे पास कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक माइनस में दो साइन स्क्वायर एक्स आ गया। उसके बाद अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें कोस एक्स की डी जेड, कोस एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास वन माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और ये वन माइनस में टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन बाई फोर डी जेड। यहाँ पर वन माइनस जेड स्क्वायर आ गया है, और ये वन माइनस टू जेड स्क्वायर आ गया। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, इसके लिए ये जो संख्या है वन माइनस जेड स्क्वायर और वन माइनस में टू जेड स्क्वायर, इसको मैंने उठा लिया है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए लेट जेड स्क्वायर बराबर टी मान लेते हैं ताकि पावर ख़त्म हो जाए, छोटा क्वेश्चन हो जाए। ये वन माइनस टी, वन माइनस टू टी आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पहले ये कोई कॉन्स्टेंट है उसके अपॉन पहला ब्रैकेट, प्लस में बी कॉन्स्टेंट है उसके ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट लिख दिया उसके अपॉन में। एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा ए, ए के मल्टीप्लाई में वन माइनस टू आ रहा है, प्लस में बी, और बी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा वन माइनस टी। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले पुट करेंगे, पुटिंग टी इज इक्वल टू वन, अगर टी बराबर वन पुट कर दें तो ये हमारे पास वन माइनस दो बी के गुणा में जीरो, तो यहाँ से ए की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। उसके बाद में बी की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग टी बराबर, यहाँ से टी की वैल्यू वन बाई टू आएगी, वन बाई टू पुट करेंगे तो एक बराबर ए के गुणा में अब जीरो जाएगा, और प्लस बी वन माइनस में वन बाई टू, तो ये बी बाई टू आने पर बी की वैल्यू हमारे पास टू आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के वहाँ रख देंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे पास वन माइनस जेड स्क्वायर, वन माइनस टू जेड स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास वन की वन माइनस वन और वन माइनस में टी, और दूसरा है बी की वैल्यू दो बटे वन माइनस टू टी। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने टी के स्थान पर जेड स्क्वायर माना था, वो वापस रख रहा हूँ मैं, तो ये वन माइनस जेड स्क्वायर प्लस बी अपॉन वन माइनस में टू जेड स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए। इन फैक्टर्स को हमको उठा करके जो हमारा शुरू में जो क्वेश्चन था ये था, इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें तो आई हमारे पास आ जाएगा वन बाई फोर तो बार है, और अंदर आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन में माइनस वन बाई वन माइनस जेड स्क्वायर और प्लस में टू टू अपॉन वन माइनस टू जेड स्क्वायर, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड, इसके साथ हमने इसको इंटीग्रेट करने के लिए जोड़ दिया है। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा आई बराबर वन बाई फोर माइनस, ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके ये यह माइनस नहीं आएगा, ये की माइनस लगेगा, तो इसका इंटीग्रेशन है वन बाई टू ए लॉग ऑफ वन माइनस जेड, वन प्लस जेड और वन माइनस जेड, ये फार्मूला लगा दिया है। ऐसे यहाँ पर आएगा हमारे पास टू
बाई टू ए, ए के स्थान पर यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए रूट टू का जेड स्क्वायर कर देंगे, तो वन बाई ए, ए की वैल्यू यहाँ पर एक है, वन बाई टू ए लॉग ऑफ वन प्लस में रूट टू जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस रूट टू जेड, और इस रूट टू के नाम का इंटीग्रेशन रूट टू और आ जाएगा। अपॉन में कर दिया इसको, डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है, i बराबर माइनस में वन बाई एट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लोग, जहाँ जेड की वैल्यू हमने शुरू में साइन एक्स मानी थी वो यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये वन माइनस में साइन एक्स प्लस में वन बाई रूट टू लोग ऑफ वन प्लस रूट टू साइन एक्स और वन माइनस रूट टू साइन एक्स प्लस में सी, इसको भी यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर बाई रूट टू आ जाएगा। तो ये आसानी से क्वेश्चन हो गया हमारा। जब हमने इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी तो उसमें इससे उल्टा क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें साइन चार एक्स ऊपर है और ये एक्स नीचे है, तो उसके इसी तरह से फैक्टर किए थे, तो फैक्टर करने से हमारे पास वहाँ पर ये जो संख्या है ये कोस एक्स कोस दो एक्स यहाँ पर नीचे बची हुई है और वहाँ पर ये ऊपर बचा था, तो इसके ऊपर फिर हमने कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगा करके इसको दो भागों में बांट के इंटीग्रेट किया था। तो क्वेश्चन ये समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर फोर रुपये एक्स ऊपर है साइन एक्स नीचे तो अलग मेथड लगेगा, साइन एक्स ऊपर है साइन फोर एक्स नीचे है तो इसका अलग मेथड है, तो इसको हर क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से जो है स्टडी करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी पहचान होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, इसलिए हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, देखने में सारे जो क्वेश्चन की जो जो उसका स्टेटमेंट है वो एक जैसा ही दिखता है। अगला क्वेश्चन के लिए ये है, इसमें लेट ई की पावर एक्स को जेड मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की एक्स डी एक्स की वैल्यू डी जेड आ जाएगी, ये हम डी एक्स की वैल्यू रखना चाहते हैं तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डी जेड अपॉन में ई की एक्स, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो इंटीग्रेशन हमारे पास आ रहा है डी जेड अपॉन में ई की एक्स और ये वन प्लस में थ्री ई की एक्स और प्लस में हमारे पास है टू ई की पावर टू एक्स, ये डी जेड अपॉन ई की एक्स की वैल्यू जेड है, वन प्लस में थ्री जेड प्लस में टू जेड स्क्वायर है, इसके फैक्टर कर देंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन में जेड, फैक्टर होंगे इसके जेड प्लस में वन और टू जेड प्लस वन फैक्टर हो गए। अब हमारी समझ में आया कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसके लिए ये जो कंटेंट है इसको अलग ले रहे हैं, यहाँ से उठा के अलग अलग लिख लेते हैं इसको, अब ए अपॉन में पहला फैक्टर आएगा, बी अपॉन दूसरा फैक्टर है, प्लस में सी अपॉन तीसरा फैक्टर है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए इंटू जेड प्लस वन टू जेड प्लस वन, बी के गुणा में आएगा जेड टू जेड प्लस वन, और ऐसे ही सी जो है सी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा जेड और जेड प्लस वन। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले जेड के स्थान पर जीरो पुट करेंगे, तो ए बराबर या जेड के स्थान पर जीरो पुट करेंगे तो ए का मान हमारे पास यहाँ से एक आ जाएगा, अगली संख्याएं जो हैं ये यहाँ जीरो रखने से सब जीरो बन जाएंगे, तो आंसर हमारे पास ए का मान एक आ गया। अगले में बी की वैल्यू निकालने के लिए जो बी के अपॉन में कंटेंट लिखा है उसमें इसको जीरो बराबर रख के जेड रखेंगे, जेड का मान माइनस एक आएगा, माइनस एक आएगा, अब ए के गुणा में संख्या जीरो हो जाएगी, बी इसके गुणा में माइनस एक और ये माइनस में दो प्लस में एक, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी और वो जीरो, प्लस में सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से एक आ गई है, माइनस एक को मल्टीप्लाई करेंगे एक आएगा। नेक्स्ट पुटिंग जेड बराबर यहाँ से हमारे पास माइनस वन बाई टू आएगा, माइनस वन बाई पुट करेंगे तो ए के गुणा में जीरो आ जाएगा, बी के गुणा में ये संख्या भी जीरो है और सी के गुणा में आ जाएगी माइनस में वन बाई टू, ये माइनस में वन बाई टू प्लस वन, तो ये हमारे पास सी के गुणा में यहाँ पर वन बाई टू माइनस वन बाई फोर आ जाएगा, और सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू माइनस फोर आएगी, ये ए बी सी की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा वन बाई जेड जेड प्लस वन टू जेड प्लस वन, ए के स्थान पर एक रखा है तो वन बाई जेड आ जाएगा, बी के स्थान पर वन है ये भी जेड प्लस वन आ गया, और सी के स्थान पर आएगा हमारे पास माइनस फोर और ये वन बाई टू जेड प्लस वन है, उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान
और डीजेडी इसके साथ ऐड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का निशान और डीजेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वो लिख दिए। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है। ये लॉग जेड, इसका भी हमारे पास लॉग जेड प्लस वन आ रहा है, और ये माइनस फोर लॉग ऑफ, ये टू जेड प्लस वन है और टू जेड के नाम का टू और आएगा और प्लस ही, तो हमारे पास ये जाएगा लॉग ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे जेड जेड प्लस वन माइनस में टू लॉग ऑफ टू जेड प्लस वन। अब इसमें सी की वैल्यू रख देंगे, जहाँ भी जेड वाई की एक्स रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ई की एक्स प्लस में लॉग ऑफ ई की एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग टू ई की एक्स प्लस वन प्लस में सी। ये एक्स नीचे आ जाएगा, लॉग ई का मान एक हो जाएगा, तो एक्स प्लस में लॉग ऑफ ई की एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग ऑफ टू ई की एक्स प्लस वन प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लेट एक्स क्यूब का मान जेड मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी जेड आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी जेड अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर, और इसके गुणा में एक्स है तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, वन प्लस में फोर एक्स क्यूब प्लस में सिक्स एक्स थ्री एक्स की पावर सिक्स। अब इसमें जहाँ भी एक्स की पावर थ्री है वहाँ पर हम जेड पुट कर देंगे तो ये थ्री जेड स्क्वायर थ्री जेड थ्री एक्स क्यूब का मान जेड है, और ये वन प्लस में फोर जेड प्लस में थ्री जेड स्क्वायर आ जाएगा। इसके वो फैक्टर कर देते हैं, फैक्टर करेंगे तो ये वन बाई थ्री तो बाहर आ रहा है जेड, इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास वन प्लस जेड और वन प्लस में थ्री जेड। ये हमारे पास क्वेश्चन अब जो है फैक्टर्स में आ गया। अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, वन बाई जेड वन प्लस जेड वन प्लस थ्री जेड, ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन ही है। ये ए अपॉन जेड प्लस में बी अपॉन वन प्लस जेड प्लस में सी अपॉन वन प्लस थ्री जेड। अगले स्टेप में एलसीएम लेंगे तो ए के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए प्लस जेड ए प्लस में थ्री जेड प्लस में बी के मल्टीप्लाई में जेड वन प्लस थ्री जेड और सी के मल्टीप्लाई में जेड और जेड प्लस वन आ जाएगा। पुट करेंगे अब हम, पुटिंग जेड बराबर जीरो, पहले जीरो पुट करेंगे तो ए या जीरो रखेंगे तो ये एक प्लस जीरो एक आ जाएगा प्लस में बी के गुणा में जीरो आ जाएगा सी के गुणा में जीरो, तो यहाँ से एक की वैल्यू अपने पास एक आ गई है। नेक्स्ट बी की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग जेड इजिकल टू माइनस वन पुट करेंगे, ए के गुणा में जीरो आ जाएगा बी के गुणा में है माइनस वन और ये वन माइनस वन थ्री आ जाएगा और सी के गुणा में जीरो आ गया, तो यहाँ से हमारे पास टू भी आ गया तो बी की वैल्यू ये वन बाई टू आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे पुटिंग जेड इजिकल टू माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री करेंगे एक आ जाएगा इधर, तो ए के मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा बी के मल्टीप्लाई में जीरो और सी के मल्टीप्लाई में है माइनस वन बाई थ्री और ये माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन इज इक्वल टू सी माइनस में वन बाई थ्री और ये टू बाई थ्री, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू माइनस में नाइन बाई टू आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू हमने निकाली है वो वहाँ उसमें यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा वन बाई जेड वन प्लस जेड वन प्लस में थ्री जेड, ए की वैल्यू वन है वन बाई जेड बी की वैल्यू वन बाई टू है वन बाई टू वन प्लस जेड और सी की वैल्यू है माइनस नाइन बाई टू वन प्लस में थ्री जेड। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड इसके साथ हर जगह ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड ऐड कर दिया है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में ये हमारे पास लॉग जेड आ जाएगा प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस जेड आ गया माइनस में नाइन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस थ्री जेड, थ्री जेड के से इसको तीन से डिवाइड और हो जाएगा प्लस में सी जो तीन से कट जाएगा, जहाँ भी जेड है वहाँ पर हमने एक्स क्यूब माना था एक्स क्यूब प्लस में वन बाई थ्री लॉग ऑफ
वन प्लस एक्स क्यूब माइनस में ये थ्री बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस में थ्री एक्स क्यूब प्लस में सी आ गया है। शुरू में हमारे पास यह इसकी मल्टीप्लाई में वन बाई और थ्री था, अब वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे या इसको जो है वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आई आ जाएगा। आई की वैल्यू आ रही है वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई थ्री आ जाएगा। लॉग एक्स क्यूब है ये पावर थ्री है ये भी यहाँ जाएगी, प्लस में ये वन बाई सिक्स लॉग ऑफ वन प्लस में एक्स क्यूब, और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई टू थ्री कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ वन प्लस में थ्री एक्स क्यूब प्लस सी, यहाँ से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास थ्री था लिख देते हैं एक बार, ये थ्री से कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है लॉग एक्स प्लस में वन बाई सिक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस में थ्री एक्स क्यूब प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है। अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे हमने उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास पावर नहीं होती थी, अगले टाइप में ब्रैकेट के ऊपर पावर है। इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर जो करना है वो अलग करना है। पहले हमको लिखना है ए अपॉन पहला ब्रैकेट एक्स अपॉन थ्री प्लस बी अपॉन, ये जो ब्रैकेट इस पर पावर है पहले इसकी एक पावर लिखनी है, प्लस में सी और एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे कॉन्स्टेंट के नीचे ये जो पावर है बढ़ाते जाएंगे, क्यूब पावर होती है तो इस पर एक पावर डी अपॉन करके ऐसे बढ़ाते हैं। तो ये मानने का जो शुरू में मानते हैं ये अलग है, पहले पहला वेक्टर बी कॉन्स्टेंट अपॉन दूसरा फैक्टर, इस पर पावर एक, फिर दो पावर ऐसे अलग अलग लिखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे ये इसे कर जाएगा तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में बी, इसमें ये कटने के बाद में एक्स प्लस वन एक्स प्लस में थ्री और एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। सी में करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री पुट करेंगे माइनस नाइन माइनस टू इज इक्वल टू ए माइनस थ्री प्लस वन इसका स्क्वायर, बी के गुणा में ये जीरो हो जाएगा, सी के गुणा में ये भी जीरो आ जाएगा, तो माइनस इलेवन इज इक्वल टू फोर ए आ जाएगा यहाँ से। तो ए की वैल्यू हमारे पास माइनस इलेवन बाई फोर आ गई है। दूसरे में अब पुट करेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस तीन माइनस दो, ए के गुणा में अब जीरो आ जाएगा, बी के गुणा में हमारे पास आएगा यहाँ पर ये बी के गुणा में जीरो आ जाएगा, प्लस में सी के गुणा माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन प्लस में थ्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव इज इक्वल टू टू सी, ये यहाँ पर सी है टू सी आ जाएगा। यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस फाइव बाई टू। अब तक हमने दो वैल्यू निकाली है, तीसरी वैल्यू अब हम इस तरह से नहीं निकाल सकते, यहाँ से हम एक्स बराबर पुट करेंगे तो माइनस एक ही आएगा। तीसरी वैल्यू यहाँ हमने माइनस एक पुट कर लिया तो यहाँ भी वही है, ये तीसरी वैल्यू पुट करने से नहीं आएगी, इसके लिए दूसरा मैथ लगाना है। इसके लिए हमको क्या करना है, कोफिशेंट्स इक्वेट करना है। कोफिशेंट इक्वेट करने के लिए हम जो यहाँ इसको खोल लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म भी आएगी, एक्स भी आएगा, कॉन्स्टेंट भी आएगा। इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स और कॉन्स्टेंट की टर्म, तो हम किसी भी पावर की कोफिशेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। सबसे आसान जो ये रहेगा वो रहेगा हमारे पास कि सबसे बड़ी पावर है वो या कॉन्स्टेंट टर्म्स की इक्वेट कोफिशेंट इक्वेट करने आसान होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले सबसे बड़ी पावर के कोफिशेंट इक्वेट कर रहा हूँ। इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टर्म के कोफिशेंट इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म का कोफिशेंट है नहीं, जीरो है। यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई एक आएगा, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, उसकी मल्टीप्लाई में कोफिशेंट भी आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशेंट है नहीं। ए की वैल्यू हमारे पास माइनस ग्यारह बटे चार है, यह अगर यहाँ रख दें हम तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्यारह बटे चार जमा बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू ग्यारह बटे चार आ रही है। तो इस तरह से हम जो है जहाँ भी पुट करने से वैल्यू नहीं आएगी तो वहाँ फिर कोफिशेंट्स को इक्वेट करेंगे। ये ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आई है ये यहाँ पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस में थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस इलेवन बाई फोर, एक्स प्लस में थ्री है इसकी मल्टीप्लाई में,
बी की वैल्यू आई है हमारे पास 11/4 और ये एक्स प्लस वन है। सी की वैल्यू आई है हमारे पास 5/2 और ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर है। इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का निशान और डी एक्स इसके साथ ऐड कर देंगे, ये तो वही क्वांटिटी आ गई जिसको हमको इंटीग्रेट करना है और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये लॉग लग जाता है, इसके ऊपर एक पावर है, ये हमारे पास 11/4 है, इसके भी लॉग लग जाएगा। यहाँ अलग है, यहाँ पर दो पावर है, तो हम इसको इस तरह इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसमें -2 पावर आएगी, फिर उसमें एक पावर जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं 11/4 कॉमन ले लूँ तो ये लॉग एक्स प्लस वन ये माइनस की संख्या इसके अपॉन में आ जाएगी और ये प्लस में माइनस कैंसिल होकर 5/2 1/(x+1) आ गया, प्लस में सी, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसमें जो यहाँ वैल्यू निकाली है हमने कोएफिशिएंट इक्वेट करके, उसको ध्यान करना है। कोएफिशिएंट हम किसी भी टर्म के कर सकते हैं इक्वेट, लेकिन जो आसान जो रहता है वो सबसे बड़ी पावर का या फिर कॉन्स्टेंट का रहता है, तो हमने सबसे बड़ी पावर की है, सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट सबसे कम मिलता है तो उससे वो कैलकुलेशन में आसानी सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिया, इसमें भी दो पावर हमारे पास यहाँ पर 5x² प्लस में 18x+1 2x+3 और ये x+1 का होल स्क्वायर है। पहले a अपॉन 2x+3 लिखेंगे, प्लस में b अपॉन x+1 और c अपॉन x+1 का होल स्क्वायर आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो ये 5x² प्लस में 18x+1 a के मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास x+1 का स्क्वायर, b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास 2x+3x+1 और c के मल्टीप्लाई में आएगा 2x+3। ये संख्या इधर मल्टीप्लाई करेंगे जो आप फोन में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर लिख दिया। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे, पुटिंग x बराबर यहाँ से -3/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5×9/4 प्लस में 18 -3/2 प्लस 1 बराबर a -3/2 प्लस 1 का स्क्वायर, बी के गुणा में भी 0 आ जाएगा और सी के गुणा में भी 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 45/4 आ रहा है, माइनस में ये 27 प्लस में 1, यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा तो ए बाई 4 आ रहा है, ये यहाँ पर 17 है, 17 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45/4 माइनस में 10 = a/4, ये 5/4 बच जाएगा, a बाई 4 यहाँ से सोल्व करेंगे तो a का मान अपने पास 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगली वैल्यू पुट करने के लिए पुटिंग x बराबर -1 पुटिंग करेंगे, -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 5 -18 प्लस में 17, a के गुणा में 0 आ जाएगा, b के गुणा में भी 0 आ जाएगा और c की संख्या में -1 रखेंगे तो ये -2 + 3 1 आ जाएगा। यह करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ रहा है और इधर c आ रहा है तो c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। b की वैल्यू निकालने के लिए कोएफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² सबसे बड़ी पावर, उसकी कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे इधर 5 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² आएगा तो ये 2 भी आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास है 5, ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 ही है, प्लस में 2b, तो ये बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ये वैल्यू अगर हम दिए हुए क्वेश्चन में पुट कर दें तो ये 5x² प्लस में 18x प्लस में 17 डिवाइडेड बाई 2x+3 x+1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं। ए की वैल्यू आई है हमारे पास 5, तो ये 5/2x+3 आ रहा है, बी की वैल्यू 0 आ गई है, 0 रखेंगे सब 0 बन जाएगा, सी के स्थान पर हमारे पास 4 है तो ये x+1 का होल स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का निशान और डी एक्स इसके साथ ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया, 5 इसका इंटीग्रेशन लॉग 2x+3 2 से भाग दे देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे x+1 की पावर -2 1 जोड़ेंगे -1
प्लस वन, तो ये फाइव बाई टू लॉग ऑफ टू एक्स प्लस में थ्री, ये माइनस में फोर बाई एक्स प्लस वन, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, इसमें हमारे पास इसके ऊपर तीन पावर है, एक्स माइनस वन का क्यूब है, या जितनी पावर बड़ी होगी उतना ही क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा। ये ए अपॉन एक्स प्लस वन है, प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस वन की पावर एक, अगले में सी अपॉन एक्स माइनस एक का स्क्वायर, प्लस में डी अपॉन एक्स माइनस एक का क्यूब, पावर बढ़ाते जा रहे हैं। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स माइनस एक का क्यूब प्लस बी एक्स प्लस एक एक्स माइनस एक का स्क्वायर, प्लस में सी एक्स प्लस एक और एक्स माइनस एक, और प्लस में डी है इसके गुणा में एक्स प्लस एक आ जाएगा। ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, जो यहाँ से कट जाएंगी वो काट करके बाकी लिखनी है। अब वैल्यू निकालनी है हमको ए बी सी डी की, पहले पुट करेंगे, पुटिंग एक्स बराबर माइनस वन पुट करेंगे एक, या माइनस वन कर देंगे तो एक माइनस एक माइनस एक का क्यूब, बाकी सब ये बी के गुणा में जीरो, सी के गुणा में जीरो, डी के गुणा में सी, ये सब जीरो बन जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस टू की पावर थ्री माइनस एट, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू हमारे पास माइनस वन बाई एट आ जाएगी। इसी तरह से अगली वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग एक्स बराबर वन पुट कर देंगे, वन है ये जीरो आ जाएगा, ए गुणा में जीरो या वन रखेंगे ये भी बी गुणा में भी जीरो आ जाएगा, सी के गुणा में भी जीरो आ जाएगा, और डी का यहाँ रखेंगे तो डी के गुणा में दो आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू वन बाई टू आ गई है, और वैल्यू हमारे पास पुट करने के लिए है नहीं, यहाँ तो ये वन आएगा, ये पहले पुट कर चुके हैं। अब कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट यहाँ क्यूब है, इसको क्यूब खोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब, सबसे बड़े कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जीरो कोएफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब के गुणा में ए आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा। ए की वैल्यू हमारे पास वन बाई एट है, माइनस वन बाई एट पुट कर देंगे तो जीरो बराबर माइनस वन बाई एट, प्लस में बी, इसको सोल्व करेंगे तो बी का मान वन बाई एट आ जाएगा। इसी तरह से अगला कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए हम सबसे जो छोटा कोएफिशिएंट है कॉन्स्टेंट उसको करेंगे। कॉन्स्टेंट इक्वेट करने का मतलब है कि आपको एक्स बराबर जीरो पुट करना है। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स, कॉन्स्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट इक्वेट करने का मतलब एक्स के स्थान पर जीरो पुट करना है। जीरो पुट कर देंगे यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये माइनस ए आएगा, यहाँ जीरो रख देंगे तो ये हमारे पास बी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ जीरो रखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो प्लस में डी आ जाएगा। हमारे पास ए डी बी की वैल्यू है, ए डी और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ए डी बी की वैल्यू पुट कर दी कैलकुलेशन की तो सी की वैल्यू हमारे पास थ्री बाई फोर आ गई। ये ए बी सी की वैल्यू उठा करके जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन करे थे उसमें उठा कर रखेंगे। यहाँ पर अगर ए बी सी डी की वैल्यू रख दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन में डी एक्स लगा दिया है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वन बाई एट ये लोगो एक्स प्लस वन आ गया है, ये वाला प्लस में वन बाई एट लोगो एक्स माइनस एक है, ये प्लस में हमारे पास थ्री बाई फोर है, ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स माइनस एक की पावर दो हो जाएगी, एक पावर जोड़ेंगे माइनस एक आ रहा है, प्लस में एक बटा दो एक्स माइनस एक की पावर माइनस तीन है, एक पावर जोड़ेंगे माइनस दो अपॉन में माइनस टू प्लस में सी। तो क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए वन बाई एट, अगर इन दोनों में कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस एक, और ये माइनस का है ये एक्स प्लस एक इसके अपॉन में कर दिया है, माइनस में तीन बटे चार एक्स माइनस एक माइनस वन बाई फोर एक्स माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में सी, ये सब हमारे पास सोल्व करने के बाद आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिया, पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से पहले हम यहाँ पर जो है पार्शियल फ्रैक्शन का रूल लगाने पहले यहाँ मानेंगे लेट साइन एक्स का मान जेड मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कोसेक डी एक्स का मान डी जेड आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है डी जेड, ऊपर तो नीचे टू प्लस जेड आ रहा है और ये वन माइनस जेड का क्यूब आ गया है, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, वन बाई टू प्लस जेड है, वन माइनस जेड का क्यूब है, पहले ए अपॉन टू प्लस जेड है, प्लस में बी अपॉन वन माइनस जेड की पहले एक पावर, अगले में बी अपॉन वन माइनस जेड की पावर टू, डी अपॉन है
वन माइनस जेड का क्यूब, इसका एलसीएम लेंगे तो ए के मल्टीप्लाई में आ जाएगा वन माइनस जेड का क्यूब, बी के मल्टीप्लाई में आएगा टू प्लस जेड और वन माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सी के मल्टीप्लाई में आएगा टू प्लस जेड, वन माइनस जेड की पावर एक आ जाएगी, दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, टी के गुणन करेंगे तो ये टू प्लस जेड आ जाएगा, ये पावर सारी कैंसिल हो जाएगी। वैल्यू निकालने के लिए पहले पुट करेंगे, पुटिंग जेड बराबर माइनस दो, माइनस दो पुट करेंगे तो ये एक, एक प्लस में दो का क्यूब आ जाएगा, बी के गुणा में जीरो, सी के गुणा में जीरो और डी के गुणा में जीरो आ जाएगा तो ये आठ, यहाँ से एक की वैल्यू हमारे पास वन बाई एट आ जाए, वन बाई ट्वेंटी सेवन आ जाएगा, ये थ्री हो गया, थ्री का क्यूब वन बाई ट्वेंटी सेवन आ गया। अगली वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग जेड बराबर वन पुट कर देंगे तो ये वन आ रहा है, ए के गुणा में जीरो आएगा, बी के गुणा में जीरो, सी के गुणा में जीरो, जो लास्ट टर्म उसका उत्तर आता है एक प्लस में ये दो प्लस में जेड का वैल्यू एक आ जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास वन बाई थ्री आ गई। अगले को वैल्यू निकालने के लिए इक्वेट करेंगे कोफिशेंट्स को, सबसे बड़ी पावर यहाँ जेड क्यूब है तो इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ जेड क्यूब, इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ जेड क्यूब, अगर जेड क्यूब कोफिशेंट इक्वेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये एक, यहाँ से माइनस ये आएगा, इसका क्यूब खोल लेंगे और प्लस में यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर तो ये हमारे पास दिया जाएगा। ए की वैल्यू है हमारे, अब वन ये रख दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस वन बाई ट्वेंटी सेवन तो ये ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी सेवन आ गई है। इसी तरह से इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स को अगर इक्वेट कर देंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वेट करने का मतलब है यहाँ हमको जीरो रखना है तो एक बराबर में ए या जीरो रख देंगे तो ये हमारे पास टू भी आ जाएगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये टू सी और प्लस में डी आ जाएगा। जो ये इक्वेशन है इसमें जहाँ भी जेड है वहाँ जीरो पुट कर दिया है, यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है, जब हमने जेड क्यूब के कोएफिशिएंट पुट किए थे यहाँ जीरो आएगा, जेड क्यूब का कोएफिशिएंट इधर जीरो है एक लिख दिया था, जीरो करेंगे तो ए का मान हमारे पास बी का मान वन बाई ट्वेंटी सेवन आएगा। ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा ये वैल्यू, इसमें अगर ए बी सी डी की वैल्यू रखकर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सी का मान हमारे पास वन बाई नाइन आ जाएगा। ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे ये वैल्यू उठा के, उसके बाद ए बी सी की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर दी है, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, इंटीग्रेशन कर दी, का निशान डी जेड लगा दिया, इसका लोग लग गया, इसका लोग लग गया वन बाई नाइन, दो पावर ऊपर लेके माइनस एक पावर जोड़ के माइनस एक कर दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो हमारे पास माइनस तीन पावर थी तो माइनस एक पावर जोड़ कर दिए, इस पर भी कर दिया है, इसकी ये कैलकुलेशन कर दी है और फिर जहाँ भी जेड है वहाँ पर हमने इसमें साइन एक्स पुट कर दिया है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन हो गया है।